नमस्कार साथियों, मैं एनएससी सदस्य शिव कुमार आज बहुत ही गहन पड़ताल के बाद मैं अभी पहुंचा हूं पटना। और मैं अभी जिस फ्लैट में हूं, ये माननीय हमारे क्षेत्र के विधायक श्री गजेंद्र प्रसाद हिमांशु जी का फ्लैट है। और मैं यहां पे आया खास करके आज जो हमारा भविष्य, हम युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में दिख रहा है इस सिस्टम में और वर्तमान की राजनीति में। इस पे हम इसे कुछ सुझाव लेने के लिए, हम तमाम युवाओं को एक दिशा निर्देश लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे। और जब हम बातचीत किए तो बहुत सारा चीज पता चला। वर्तमान अभी इससे पहले 7 बार MLA रह चुके हैं, इतनी भी रह चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस है। और आज की राजनीति को ये किस प्रकार से देखते हैं मैं जानना चाहूंगा। अंकल जी, आज का जो वर्तमान की राजनीति है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इससे समाज किस दिशा में जा रही है और इस पे कैसे बदलाव किया जा सकता है? अभी इतने बड़े विषय को आप इतने थोड़े समय में आप जानना चाह रहे हैं, ये कैसे संभव होगा? राजनीति बहुत बड़ी चीज है, राजनीति से ही देश समाज चलता है, राजनीति प्रशासन है। और अगर अच्छा प्रशासन हुआ तो फिर जनता सुख से रहती है, चैन से रहती है। और अगर गलत हो गया तो जनता बेचैन रहती है। ये उसकी जवाबदेही खास करके लोकतंत्र में जो जनता चुनती है उसकी जवाबदेही है कि वो जनता की देखरेख करे और उसे किसी प्रकार की असुविधा न हो। पढ़ाई लिखाई से लेकर के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का देखना काम बस चुने हुए आदमी को है। आज राजनीति लोभ और लालच में फंस गई है। जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, वो लोग काफी इसमें सक्रिय हो गए हैं। और भले लोग सब घर बैठ कर, भले लोगों की कोई पूछ नहीं हो रही है। जो आदमी तेज तराक है, जो समझता है राजनीति, अब वो राजनीति नहीं है। राजनीति तो अभी भी वही है, लेकिन राजनीति को अगर हम गंदा कर देंगे तो हमारा समाज नहीं चल सकेगा। कटराहट होगी, हंगामा होगा, अराजकता होगा। जो लोग समझते हैं कि लूटते भी रहेंगे और स्मूथली बढ़िया से चलता भी रहेगा, वो गलत फहमी में है। लूटने वाला वो भी सजा मिलेगी और जिसका उसको लूटता है वो बेचारा भी कष्ट का भागी बनता है। इसीलिए राजनीति किसे कहते हैं आजकल परिभाषा ही लोगों ने बदल दिया है। लोग पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, उनको समझाया जाता है राजनीति का मतलब लूट पाट होगा। लेकिन राजनीति का सही मतलब डॉक्टर लोहिया और महात्मा गांधी ने बताया था, राजनीति जनता की सेवा है और बुराइयों से लड़ने का औजार है। अगर हम सारे लोग राजनीति वाले अगर इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो राजनीति राजनीति नहीं रह जाएगी, वो एक लफंगों और लुटेरों का एक समूह रह जाएगा। इसीलिए अब ये होगा कैसे, सवाल ये होता है। ज्यादातर लोग तो इस विचार के है कि राजनीति को जितना गंदा किया जाए, लेकिन समय बदलता है, आने वाली जो पीढ़ी है, जो नौजवान है, वो उसी में से इस बात को वो फील करेंगे, वो समझते हैं, वो पढ़े लिखे लोग जरूर इसको सुधारेंगे और राजनीति को सही रास्ते पर लाएंगे। राजनीति अनपढ़ों का काम नहीं है, बेवकूफों का काम नहीं है। राजनीति में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे, जिनके कॉपी में लिखा गया था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो वैसे आदमी इस देश के राष्ट्रपति हुए थे राजनीति में। अब राजेंद्र बाबू के ऐसी बात तो हो नहीं सकती, लेकिन जो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं वे सब अपनी चिंता में लग जाते हैं।
हमारे जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे चिंतक हैं, प्रोफेसर हैं, समझते सब हैं, लेकिन उनको पहले अपनी चिंता हो जाती है, अपने बाल बच्चों की चिंता होती है। अपने के अलावा अगर हम आदमी को, आदमी के प्रति, मनुष्य के प्रति अगर चिंता न करें तो वास्तव में सही में आदमी नहीं है। आदमी इंसान तो इंसान इस मदद करता है, वही इंसान है जो इंसान को बुरा मुसीबत में और दुख तकलीफ में उसको मदद करे। तो सच्चा इंसान की कमी हमारे यहाँ है और इंसानों की संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक अराजकता बढ़ता जाएगा। हमारे सारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बड़े लोगों ने सब समझाया है कि सेवा से बढ़कर कोई वर्थ नहीं है, सच्चाई से बढ़कर के कोई ईमान नहीं है। धर्म वही है जो सत्य हो, जो झूठ नहीं हो। धर्म कभी खत्म नहीं होता है। धर्म को लोग गलत अर्थ लगा करके वो लाभ लेते हैं केवल, लेकिन धर्म है रास्ते पर चलने का तरीका, है वो रास्ता है सच्चाई का, ईमान का, वफादारी का, लोगों के भलाई का, यही नाम इंसानियत है और यही रास्ता आदमी को समाज में बदलाव ला सकता है, यही रास्ता समाज में चयन कर सकता है, आपस में भाईचारे को कायम रख सकता है। आज तो समाज को तोड़ने का काम हो रहा है, जातियों में बांट दिया गया है। आजकल चुनाव का मतलब हो गया है कास्ट, कैश और क्राइम। जिनके पास कैश है, कास्ट है, क्राइम है, वो चुनाव जीतते हैं। और ऐसे अपवाद में भले कोई आदमी जीतते हैं जो इनसे अलग है, अलग वाले लोग को पूछता है लोग आप किस पार्टी में, पार्टी वाले वैसे आदमी को पसंद ही नहीं करते हैं जो सच्चे हैं और ईमान है। ईमान की खोज न तो होती है और न ईमानदार आदमी को कहीं रखा जाता है। तो ऐसा अगर चलता रहेगा और बुरे लोगों का जमात बढ़ता जाएगा तो समाज भी खंडित हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगा। आपने जिस तरह से विश्लेषण किया, बहुत हमें तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपने हर चीज का विश्लेषण किया। आज राजनीति को सिर्फ व्यापार बना लिया गया है। आज के डेट में जो भी दल राजनीति कर रही है, बिहार में लगभग जो भी दल कर रही है, जैसे कि आप जेडीयू, आरजेडी, लोजपा, कोई भी दल हो, हर दल के व्यक्ति राजनीति को सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, लोगों की तरक्की के लिए नहीं, सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, लोकतंत्र के अर्थ का असली मायने ही बदल के रख दिए हैं। मैं ये सारी बात तो इनके द्वारा आप लोगों ने सुना है, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि आज के इस परिदृश्य में आप जो नौजवान युवा है, जो परिवर्तन के लिए लड़ाई थे, जिनको लगता है कि ये वो बोरिंग पॉलिटिक्स हो रही है, जो इसे उभरना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? से बराबर एक तरह का समय नहीं चलता है, समय भी बदलते रहता है। अच्छे समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे की संख्या ज्यादा है, अच्छे की संख्या कम है। लेकिन जो हमारी भावी पीढ़ी है, नौजवान लोग हैं, वो सोच रहे हैं राजनीति की जो दुर्गति हो रही है, राजनीति की परिभाषा जो बदली जा रही है, उसके बारे में सोच रहे हैं। ये लोग राजनीति को पेशा बना लिए हैं और इससे समाज बर्बाद होगा। कुछ नए नौजवान जरूर इस ओर आकर्षित और अग्रसर हो रहे हैं कि कुछ हम करें, समाज में कुछ बदलाव हो, कुछ अच्छे लोग आवे, ईमानदार लोग जीत कर के आवे। जो ये चुनाव बहुत हाल में होने वाला है, उसमें परिवर्तन हो, परिवर्तन विचारों का परिवर्तन हो, उसमें
बंद हो, उसमें घूस बंद हो, उसमें बेईमानी बंद हो, ये सब ये लोग चाहते हैं। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा, भ्रष्टाचार के रहते हुए न समाज रहेगा न देश रहेगा। इसलिए सबसे पहले यहाँ ईमान की जरूरत है और भ्रष्टाचार को मिटाना है। जो जयप्रकाश नारायण जी ने नारा दिया था कि भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है, वो उलट गया। उल्टे जेपी नहीं है, लेकिन जेपी के जो आंदोलन थे भ्रष्टाचार मिटाने का, आज भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। तो जेपी आंदोलन को भी लोग दोष देते हैं, कहीं कहीं कहते हैं कि जेपी के आने से ही गुंडा लोग चले आए राजनीति में, लेकिन ये कहना गलत है। जेपी का आंदोलन एक सैलाब था, वो सैलाब था, बहुत तरह के लोग आए थे और उस समय के कांग्रेस की बुराई और तानाशाही के खिलाफ लड़े थे। उसमें सैलाब जब चला गया, तो सैलाब चले जाने के बाद क्या बच जाता है? गवाहा बच जाता है, कीचड़ बच जाता है, नाला बच जाता है। इसलिए हम जेपी को दोष नहीं दे सकते हैं कि जेपी के चलते और बिगड़ गया। जेपी ने जो बात कही, जो रास्ता उन्होंने दिखाया, वो तो कोई न सुनने वाला न देखने वाला मिला। जेपी तो मुंह में पट्टी बांध दिए थे और इस प्रकार का आंदोलन चलाए थे, जो आंदोलन बिल्कुल अहिंसक था, गांधी के रास्ते पर था। गांधी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण, इन लोगों ने जो रास्ता बताया है, अगर हम लोग उन रास्ते पर नहीं चलेंगे, उनके विचारों पर नहीं चलेंगे, तो हम मिट जाएंगे। हमारे सामने देश में एक पर एक विद्वान होता है और उन विद्वानों को पढ़ना चाहिए, उन विद्वानों को समझना चाहिए और उनको उनके अच्छे विचारों को कार्य रूप में लाना चाहिए। हमारे यहाँ पे विवेकानंद हुए हैं, विधोबा हुए हैं और एक पर एक संत लोग हुए हैं, विद्वान हुए हैं, महर्षि रमन हुए हैं। तो ये सारी बातों को वो पढ़ते नहीं, दूसरा पढ़ाई खत्म हो गई। पढ़ाई जो कहीं नहीं हो रहा है, तो पढ़ाई जब नहीं होगी तो ज्ञान होगा कहाँ से? तो आजकल केवल इम्तहान होता है और नामांकन होता है। हर कॉलेज में जहाँ भी जाइए, शायद ही किसी कॉलेज में पढ़ाई होती है। तो बिना पढ़ाई का कौन सा मुल्क तरक्की करेगा, कौन सा इलाका बिना पढ़े तरक्की करेगा? एक मूर्खों का जमात भी हमारे यहाँ खड़ा हो रहा है और उसके सामने कोई रोजगार नहीं दिखाई पड़ता है, जीने का कोई रास्ता नहीं दिखाता। वही लोग अराजकता फैलाते हैं, चोरी डकैती करते हैं। इस समाज को जिंदा रखने के जो लोभी हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोभी हैं, जो बेईमान हैं, उनको इस समाज को चलाने के लिए, जिंदा रखने के लिए ईमान धर्म की राजनीति शुरू करनी होगी, तभी समाज अच्छा।